अब मैं बोला साहब मेरे को एक हवलदार दो, वहाँ पे गैंग है पठान गैंग के आदमी लोग भी मेरे को मारेंगे। बोले नहीं नहीं चल जा, तू मार तो खाए और मार खाएंगा तू जा। तेरे को पहले बड़े साहब ने बोले थे ना क्या वहाँ धंधा नहीं लगाना, फिर भी लगाया तो मार खाएंगा और धंधा लगाएंगा तो और मार खाएंगा। पुलिस ऐसा बोली? पुलिस। रिपोर्ट में क्या निकला? रिपोर्ट में नील दिया उन लोग ने, ये सीनियर साहब ने उसको बोला था ना डॉक्टर लोग को क्या इसकी रिपोर्ट नील ही देना। उन लोग सब डरते हैं, बाबा अस्पताल में भी मैंने 3D एक्सरे निकाला और अशोक खुद के बोलने के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, बोले मेरे को नील रिपोर्ट दी है। पठान गैंग के गुंडे लोग जो ऑफिस में साहब के साथ में थे, मेरे को अशोक को साहब बोल रहे थे क्या इनको धंधा लगाने दो पठान गैंग को, तो पठान गैंग है उन लोग के बहुत उन लोग अपराधी लोग है, तो वो लोग बोले क्या यार चल यहाँ धंधा नहीं लगाने का, आए मेरे को मारे, मेरे फसली फ्रैक्चर हो गई। मैं फिर गया कंप्लेंट देने, मेरा कंप्लेंट नहीं लिए, खाली ये बोले क्या तू जा तेरा NC लिया तू जा, तेरा कुछ नहीं होएगा। सीनियर साहब अशोक खोद साहब बैठे हुए थे, मेरे को बुलाए, मेरे को बोले ए इधर आ, मेरे गाली गलौज किए और बोले तू उधर कल से धंधा नहीं लगाएगा। बोला साहब मेरी रोजी का सवाल है, मेरे को आप मार लो लेकिन मैं धंधा वहाँ लगाऊंगा, तो बोले तू धंधा लगाने का नहीं ये लगाएगा। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अब्दुल्शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से आरोपों का सिलसिला जारी ही था कुर्ला पुलिस स्टेशन पर, फिर एक जो है गंभीर आरोप लगा है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक खोड पर। अशोक खोड जो कि धंधा विक्रेता से कुछ आपसी धंधे का विवाद चल रहा था, उसके बाद एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसमें उनके ऊपर काफ़ी बड़े आरोप लगे। अशोक खोड की माने तो ऐसा है कि जब से उनकी नियुक्ति हुई है उनसे पहले ही से ही जो है काफ़ी लचर व्यवस्था हो चुकी है कुर्ला की कानून की, और उसी की अगर बात करें जैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, बिल्कुल कुर्ला की भी कानून व्यवस्था उसी की तरह है, क्योंकि सिर्फ नशा माफियाओं का बढ़ता अपराध और साथ ही साथ जुगाड़ मटके पर खुलेआम जो है धड़ल्ले से चलाया जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ गरीब और ऐसे बेसहारा लोग जो शिकायत करने जाते हैं उनके साथ भी गाली गलौज होता है। ये तमाम मामलात को लेकर हमारे साथ जो पीड़ित इस मामले में हुए वो मौजूद है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरुण कलंदर टकारे। तो ये जो पिछले साल नवंबर में जो घटना हुई, नौ तारीख को मेरे को अशोक खुद साहब ने बुलाए थे, 8वां महीना 26 तारीख को आगे मेरे को अशोक खुद साहब ने पहले उनके ऑर्डरली ने सचिन ने फ़ोन करके मेरे को बुलाया, मेरे को बोला तुम जल्दी आओ चौकी में तुम्हारे को साहब बुला रहे, तो मैं गया तो सचिन ने मेरे को गाली दिया और बोला है क्या मेरे को तुम जो जहाँ धंधा लगाते हो वहाँ धंधा लगाने का नहीं है, तुम्हारे बड़े साहब का ऑर्डर है। मैं बोला साहब बात सुनो मैं तो धंधा लगाऊंगा, इतना बोला और मैं चले गया। फिर उसके तीन घंटे के बाद में फिर सचिन ने मेरे को फ़ोन करके पुलिस चौकी में बुलाया, जहाँ पे सीनियर साहब अशोक खोद साहब बैठे हुए थे, मेरे को बुलाए, मेरे को बोले ए इधर आ, मेरे को गाली गलौज किए और बोले तू उधर कल से धंधा नहीं लगाएगा। मैं बोला साहब मेरी रोजी का सवाल है, मेरे को आप मार लो लेकिन मैं धंधा वहाँ लगाऊँगा, तो बोले तू धंधा लगाने का नहीं ये लगाएगा। तो मैं बोला मेरी रोजी रोटी है, मैं इसी के ऊपर डिफेंड हूँ, मैं यही धंधा करूँगा, मेरा शर्ट का धंधा लगता है, मैं शर्ट का रोज़ धंधा लगाऊँगा साहब। आज कहाँ लगा? मैं 20 साल कुर्ला वेस्ट अपना से गणेश मंदिर है उसके बाजू में, गणेश मंदिर के बाजू में ब्रिज है, ब्रिज के कॉर्नर पे मैं धंधा लगाता हूँ। वहाँ पे अशोक खुद साहब बोलने लगे क्या तू वहाँ धंधा नहीं लगाएगा, मैं बोला नहीं साहब मेरा रोजी रोटी है मैं वहीं धंधा लगाऊँगा। मेरे को गाली गलौज किया और मेरे को बोले क्या तू चल निकल मेरे ऑफिस में से, मेरे को एकदम गेट आउट बोले और एकदम गाली गलौज दे के मेरे को बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद में फिर मैं अपने घर पे गया, फिर मैं अपने धंधे पे खड़े रहा। फिर 3-4 दिन के बाद में वही पठान गैंग के गुंडे लोग जो ऑफिस में साहब के साथ में थे, मेरे को अशोक को साहब बोल रहे थे क्या इनको धंधा लगाने दो पठान गैंग को, तो पठान गैंग है उन लोग के बहुत उन लोग अपराधी लोग है, तो वो लोग बोले क्या यार चल यहाँ धंधा नहीं लगाने का, आए मेरे को मारे, मेरे फसली फ्रैक्चर हो गई। मैं फिर गया कंप्लेंट देने, मेरा कंप्लेंट नहीं लिए, खाली ये बोले क्या तू जा तेरा NC लिया तू जा, तेरा कुछ नहीं होएगा। तेरे को पहले बड़े साहब ने बोले थे ना
क्या वहाँ धंधा नहीं लगाना, फिर भी लगाया तो मार खाएंगा, और धंधा लगाएंगा तो और मार खाएंगा। पुलिस ऐसा बोली? पुलिस ये जो अपना अशोक बैरागी साहब ड्यूटी ऑफिसर थे उस टाइम पे, दो तारीख नौवा महीने को, दो तारीख नौवे महीने में बैरागी साहब ड्यूटी ऑफिसर थे, मेरे को बोले चल गेट आउट, तू जा हॉस्पिटल जा, तेरे को यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला तेरा। वो भी उल्टा सीधा बात बोले मेरे को। अब मैं बोला साहब मेरे को एक हवलदार दो, वहाँ पे गैंग है, पठान गैंग के आदमी लोग भी मेरे को मारेंगे। बोले नहीं नहीं चल जा, तू मार तो खाए और मार खाएगा तू जा। मेरे को बोले इतना, मेरे को हॉस्पिटल भेजे, मैं अकेला हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद में मैं मेडिकल कराया, मेडिकल करा के मेरे को साहब लोग बोले, डॉक्टर बोला क्या तुम जाओ सैन हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारे यहाँ जास्ती फसली में लगा है, तुम सैन हॉस्पिटल जाओ। तो फिर मैं गया सैन हॉस्पिटल जा रहा था, तो एक मेरे को फिर बोले क्या तुम चौकी जाना, चौकी जाओ पहले, फिर बाद में वहाँ से सैन हॉस्पिटल जाओ। मैं चौकी गया तो मेरे खाली कंप्लेंट लिए, अब मेरे को बोले जा घर पे। तो मेरे को बहुत तकलीफ, मैं गया घर पे बहुत तकलीफ होने लगी। फिर मैं दवाखाना गया, दवाखाने में गया तो मेरे को हॉस्पिटल में मेरे को एक दिन एडमिट किए, और मेरे को जो आप फसली में दर्द दे रहा था, फसली का इलाज नहीं किया उन लोगों ने। हॉस्पिटल को भी मैंने आरटीआई मांगा, मेरा रिपोर्ट मांगा उन लोग ने। नहीं मतलब रिपोर्ट में क्या निकला? रिपोर्ट में नील दिया उन लोग ने, ये सीनियर साहब ने उसको बोला था ना डॉक्टर लोग को, क्या इसकी रिपोर्ट नील ही देना। उन लोग सब डरते हैं। बाबा अस्पताल में भी मैंने 3D एक्सरे निकाला, और अशोक खुद के बोलने के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, मतलब मेरे को नील रिपोर्ट दी है। मतलब अशोक खुद आप इतना बोल रहे हो, मतलब ऐसा क्या है, कानून व्यवस्था सुधारने और बनाए रखने के लिए उन्हें भेजा गया है, आप उन पर आरोप पे आरोप लगा रहे हो? कुरला में कुछ नहीं है, ये यूपी बिहार में कैसा चलता था, तुम्हारे कुछ भी करना, गुंडा राज जाओ, चौकी में बड़े साहब से मिलो और तुम जो मांगता हो कर लो, वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अशोक खुद साहब को जो जाओ तुम मिलो पहला, उनका जो मांगे वो पूरा करो, और फिर बाद में तुमको जो करना है वो करो। क्या मांगे? जो भी मांगे उनका, बहुत बड़ा बड़ा मांगे उनका, उनको पैसा चाहिए। आप ही एक धंधे वाले को बुलाया उन्होंने या सबको? जो जाएंगे धंधे वाले के खिलाफ बोलेंगे ना मेरे को यहाँ धंधा लगाने का साहब, तो वो वहाँ धंधा लगवा के दे देंगे। अच्छा। मेरे को खुला बोले अशोक खुद साहब ने क्या तुम यहाँ धंधा नहीं लगाने का, यहाँ पे ये पठान गैंग के आदमी लोग धंधा लगाएंगे। अच्छा ये बुरा घटना हुआ, आपके बेटे को भी चोट कैसा लगा? बेटे को चोट नहीं लगा, मेरे को डॉक्टर ने बोला 2 महीना आप ना वहाँ पे बेड रेस्ट करेंगे, हॉस्पिटल घर में रहेंगे, आप बाहर मत लो, आपको चोट जास्ती लगी है, आप कहीं पर भी चक्कर आके गिर सकते। तो मैं घर में आराम कर रहा था, बेड रेस्ट पे था मैं। तो मैं छोकरे को, मेरे छोकरा स्कूल से आता था, तो मैं बोले जा तू धंधा कर, थोड़ा 2 पैसा आएगा तो अपना खाने का इंतजाम हो जाएंगे। तो फिर अशोक खुद साहब आके उसको रोज़ गाली देते थे, बोलते माधव चो तेरे को मना किया ना धंधा नहीं लगाने, आपको वो छोटा बच्चा नहीं, ये नहीं सोचे क्या छोटा बच्चा है, क्या ये पेट भर रहा है। वो स्कूल जाके आने के बाद में धंधा लगाता था, आपको अशोक खुद साहब आके गाली देते थे उसको। अच्छा ये जो गाली की शिकायत फिर आपने कहीं की? मैंने किया, और DCP को किया, ACP को किया, कमिश्नर। क्या बोले आला अधिकारी लोगों? आला अधिकारी खाली डिस्पेट लेते हैं, कुछ उसका काम ही नहीं होता है। अशोक खुद के पास जाता है रिपोर्ट में, अशोक खुद साहब उनको रिपोर्ट बना के दे देते, ऐसा नहीं ऐसा है, गलत है, झूठ है। अब मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मेरे पर जो केस था वो सब डिस्चार्ज हो गया था, और दादर ACP साहब ने मेरी इंक्वायरी लिए, मैंने उनको लेटर दिया क्या ये लोगों के इंक्वायरी करो। मैं इधर गया था रीजन साहब के पास, रीजन साहब ने लिख के दिए क्या तुम जाओ दादर ACP के पास जाओ। तो दादर ACP के यहाँ से मैं मार किया दादर ACP को, तो दादर ACP साहब ने मार्क में मेरे को फ़ोन करके बुलाया, बोले क्या हुआ, मैं बोला ऐसी घटना हुई, पठान गैंग ने मेरे को मारा। तो उनका स्टेटमेंट लेने से इंक्वायरी करने के बदली में ना दादर ACP मेरा ही इंक्वायरी करके दिया, मेरे को लेटर लिख के दिया, मेरे को लेटर में तुम्हारे ऊपर 3 केस है, तुम्हारा इधर बेलापुर में 2 केस है, एक कुरला पुलिस स्टेशन में, और मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मेरा जो भी केस था वो सब डिस्चार्ज हो गया है। और उन लोगों का 10 केस है, उन लोगों का एक भी केस में ये नहीं दिए क्या उनके ऊपर एक केस है क्या नहीं है। उन लोगों से मतलब जो भी बात की है उन लोगों ने, उनका कोई इंक्वायरी नहीं की है, मेरा इंक्वायरी किया उल्टा। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताई है, और कुरला पुलिस स्टेशन पर ये गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन इस आरोपों के बाद अब ये देखना है कि ये खबर के बाद जो आला अधिकारी इस तमाम
चीज़ों को लेकर अगर देख रहे तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करे और इस मामले को ठीक तरीके से जांच करे कि ये तमाम मामला है क्या। और इस तमाम मामलात को लेकर अब ये देखना है कि जो कुरला पुलिस स्टेशन में बढ़ता अपराध है उसे किस तरीके से रोकथाम की जाती है और शिकायतकर्ताओं को लेकर कोई खास जो है निर्णय आला अफसर जो है निकालते हैं। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफसर से मुंबई टीवी।